ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की जय। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, आत्मा का स्वभाव। कल कहा क्षमा धारण करना, यहाँ से ही प्रारंभ होता है मोक्ष महल की ओर जो यात्री कदम रखना चाहता है। ठीक विपरीत दिशा में ये सब कार्यक्रम होते हैं। संसार और मुक्ति ये दोनों पूर्व पश्चिम की दिशाओं में है और गुमराह होकर के मुक्ति की राह से वंचित होकर संसारी प्राणी सुख चाहता हुआ भी दुख से वह ऊपर नहीं उठ पा रहा। जब तक हम जिसे चाहते हैं, यह तो बहुत अच्छा निर्णय है कि हमें सुख चाहिए, किंतु वह इतना महत्वपूर्ण नहीं है। सुख को पाने का रास्ता, उपाय और अवधि, पात्रता, ये कुछ ऐसी वस्तु हैं जो सही नहीं मिलने के कारण हमारा वह भाव वैसा ही वैसा रह जाता है। और आज तक इस दुर्लभता को हमने प्राप्त नहीं किया। अब यदि आप पूछना चाहते हैं तो इसमें रास्ता है, बिन जाने के दोष गुणन को कैसे तजिए गही है कि जब तक दोष और गुण इन दोनों की परख नहीं होती, तब तक आपका यह दुर्लभ हमेशा दुर्लभ ही रहने वाला है, उसका लाभ हमें नहीं प्राप्त होता। तो वह गुण क्या है, उपाय क्या है और दोष क्या है और अपाय क्या है, इसका बोध करने के लिए ही शिक्षा उपदेश दिए जाते। आप लोग उपदेश के लिए, शिक्षा के लिए, सांसारिक कार्यक्रमों को संपन्न करने के लिए देश विदेश तक पहुंच करके वहाँ से उस शिक्षा को प्राप्त करके आते हैं और अपने जीवन में व्यवस्थित जीवन चलाना चाहते हैं, लेकिन जीवन के उपयोगी जो शिक्षा होती है उसके बारे में भी, बाकी लोगों के लिए तो बात अलग है, किंतु जैनियों के लिए तो कम से कम यह अवश्य सोचने विषय है। क्योंकि इसलिए कि हर क्षेत्र में आप सोचते हो तो इस दिशा में एक प्रकार से कमी क्यों, हम जैसे सोचते हैं वैसे ही परिणाम निकलने वाला होता है। हम सही दिशा में सोचते हैं, सही वस्तु के लाभ के लिए सोचते हैं तो अवश्य ही दिमाग में अथवा उसका उद्बोधन किसी न किसी संगति से अवश्य उपलब्ध होता है। तो यह आज जो हमें मुक्ति की ओर ले जा रहा है रास्ता है, उसके कुछ कदम हैं, उन कदमों में हम कदम रख करके हम अपने कदम अन्यत्र न रखें, किंतु कदम मैंने आप जानते हैं एक एक कदम रखो तो कहाँ रखें। जो पगचिन्ह हैं
उन चिन्हों को देख करके पहचान करके उसी पर ही अपने पग धारण कर देना चाहिए। अपने यहाँ तीर्थ है, बहुत सारे तीर्थ हैं, शाश्वत तीर्थ समेशकर जी है, तो उसमें 20 तीर्थंकर मुक्त हुए हैं और उनके वहाँ पर चरण नहीं बने। सुन रहे हैं आप? हाँ, चरण नहीं बने किंतु चरण चिन्ह बने। चरण चिन्ह का अर्थ होता है जो चरण चल करके निकल गए, फुटप्रिंट जिसको बोलते हैं, वह अंकित हो जाता है, उसको पहचान मान करके हमें चलना है, हमें कदम कहाँ पर रखना है, जिस दिशा में चरण रख करके चले गए और वह वहाँ पर चिन्ह पड़ गया, चरण नहीं चरण चिन्ह की पहचान होनी चाहिए। यही वही चरण है जिसके ये चिन्ह हैं और यह वही रास्ता है जिसको सीधा ही हम पहुंच सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। तो हम ये दुर्लभ वस्तु को लाभ लेना चाहते हैं तो हमारे लिए चरण जिन्होंने रखा, उन्होंने चरण चिन्ह छोड़ करके गए और उसको बताने की आवश्यकता नहीं पड़ती कि यह माधव धर्म हमारे लिए चरण चिन्ह का काम कर रहा है। या ऐसे नहीं कि इस रास्ते में कहीं चलते चलते माधव धर्म की पहचान हमें हो जाए, नीचे देख करके जाओ, नहीं होने वाला। ये एक हमारा विचार है कि हम सब वस्तुओं को कुछ न कुछ तो खरीद देख करके खरीद लेते हैं, तो ऐसा कहीं यदि मान लो आपका अनुमान है या धारणा है तो आप भूल जाइए। क्या भूल जाइए? कि हम इस माधव धर्म को खरीद नहीं सकते। जब जिसको हम खरीद ही नहीं सकते तो हम बेच भी नहीं सकते। जब खरीदी और बेचना, क्रय विक्रय दोनों ही पैसे के ऊपर आधार नहीं है, तो सोच रहे होंगे आप कि महाराज हम उस रास्ते पर चल कैसे सकते हैं, हम तो चलने की बात ही नहीं करना चाहते, हम तो बाइसिकल को भी पुराना समझ रहे हैं, मोटरसाइकिल भी पुराना हो गया, अब तो हम उड़ते उड़ते हैं महाराज। हो ठीक, लेकिन उड़ते हुए भी वहाँ पर रास्ता तो चाहिए। उड़ करके आप कहाँ जा रहे हो और कहाँ से आ रहे हो, या चक्कर लगा करके आ रहे? आज सभी पढ़े लिखे चक्कर लगा रहे हैं, किसी न किसी के चक्कर में अवश्य है। हम परिक्रमा को महत्व देते हैं, शाश्वत तीर्थराज कि परिक्रमा भी होती है, आपने की हुई है, और उसका चक्कर क्यों नहीं कहा इन्होंने? है तो यही की बात, चक्कर लगाना यानी घूमना, नहीं चक्कर लगाना और घूमना ये अलग दिशा को बता देते, किंतु परिक्रमा लगाना अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो ये आज के विमान चक्कर लगा रहे हैं या परिक्रमा लगा रहे हैं, इसके बारे में जो साइकिल को भूल चुके हैं, स्कूटर को भूल चुके हैं, मोटरसाइकिल को भूल चुके हैं और कार को भूल चुके हैं, किंतु अब धरती से ऊपर उठना चाहते हैं। आत्मा का स्वभाव है धरती से ऊपर उठना, ऊर्ध्वगमन स्वभाव है आत्मा का, और मुक्त होने के उपरांत वह सीधा ही ऊपर ही जाता है, परिक्रमा किसी का अथवा चक्कर में नहीं आता, वो सीधा ही आ रहा। सीधा के लिए हमें
बहुत सीधा होना अनिवार्य है। मार्दव का अर्थ होता है कोमल, मार्दव का अर्थ होता है कोमल, मृदु, हम मृदु बने, मृदोर भाव है मार्दवम का। हमारे यहाँ बहुत सारे धातुएँ मिलती हैं और सभी धातुएँ अपने अपने में बहुत स्वभाव को लिए हुई हैं। स्वर्ण एक ऐसा है जो कठोर नहीं किंतु वो बहुत मृदु होता है। शायद उस स्वर्ण के जितने भी नहीं जितने भी प्रकार है वो उनमें कई रंग के भी स्वर्ण हुआ करते हैं। प्रसिद्धि पीली की है किंतु स्वर्ण सफ़ेद भी कल धौत जिसको बोलते हैं, कुंदन है जिसको कुमकुम के वर्ण का स्वीकार किया है। ऐसे ही स्वर्ण कई प्रकार के हैं और उनके आभरण बनाए जाते हैं। वह भारी भी होता है कुछ अपवाद को छोड़ करके। उसकी परख करते हैं किसकी, सोने के, तो परख करने की विधाएं भी बहुत प्रकार की होती हैं। एक तो अग्नि की परीक्षा के माध्यम से और एक तो लकीर खींच करके कसौटी पाषाण पर, तो उसके माध्यम से परख की जाती है, और एक तोड़ करके तोड़ने रूप जो विधा है, विधि है, वह यहाँ पर प्रासंगिक समझता हूँ कि वह मृदु बहुत होता है। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण उसका गुण यह है जितने भी चोट पड़ेंगे वो टूटता नहीं किंतु वह फैलता चला जाता है। स्वर्ण लंबा चौड़ा तो हो जाएगा लेकिन वो टूटेगा नहीं। यदि उसके ऊपर घनों की मार पड़ जाए तो वह फैलता फैलता चला जाता है, जिसको जर्क बोलते हैं आप लोग, और वह एक प्रकार से शिखर बनाते हैं, कलशा बनाते हैं, कलशा के ऊपर स्वर्ण का पानी अथवा पत्तल चढ़ा देते हैं और उस पत्तल को पहले फैला करके फिर बाद में उसको उसके ऊपर चिपकाया जाता है, तो वह चिपकता है, वर्षों तक वह दूर से आपको बुलाता रहता है। दूसरे और कोई धातु नहीं है जो इस प्रकार उस शिखर के कलशा के ऊपर आत्मसात हो सके। तो उस स्वर्ण के पास मृदुत्व है, वह उसका धर्म है। इस धर्म के अभाव में हम एक विधा को खो देते हैं और हम स्वर्ण की पहचान नहीं कर पाते। वह उसमें सबसे ज़्यादा मृदुत्व होते हुए भी वह कुंदन जो होता है उसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण तो यह है कि वह मृदु बहुत रहता है। अन्य स्वर्ण के अपेक्षा से उसका मूल्य अलग होता है। सुनते हैं वह कुंदन कुंदन एक प्रकार से उसमें मृदुता के साथ सुगंधि भी रहती है। कहने में आता है ये तो सोना भी हो गया और सोने में सुहागा है। ये जो कहावत है सुनने में सूक्ति मिलती है उस कुंदन के अपेक्षा से मिलती है। हमने कुंदकुंद महाराज जी के समय सराध के बारे में अनुवाद जब किया, जैसा वैसा उस समय उत्साह रहता था, तो उसका शीर्षक रखा था कुंद कुंद का कुंदन।
तो कई लोगों ने कहा महाराज कुंदन का अर्थ जो है मिठाई होती है, पेड़ा कुंदा का कुंदा, हाँ कुंदा का पेड़ा। सुनो वो यहाँ नहीं है, ये कुंद कुंद की कुंदन है जो कि इसमें समय सार की सुगंधि भरी हुई है। यह दिखता नहीं किंतु सुगंध के लिए आंखें भी बंद करनी पड़ती है। ऐसे नहीं कि आँखों के द्वारा हम उसको देख ले, किंतु सुगंध के माध्यम से जो गुण रह गया था उसका सेवन भी हम कर सकते हैं, और वह बाहर नहीं रहता किंतु वह भीतर तक पहुंच जाता है। और उसमें जब डूब जाते हैं लोग अथवा और कोई भी, तो एक प्रकार से सर्व भी ऐसा गहराई में पहुंच जाता है और वो भूल जाता है कि यह रात है या दिन है। यह उसकी स्थिति होती कि उसकी सुगंधि के लिए, तो यह सुगंधि मार्धव एक प्रकार से मृदुता का अतिरेक सीमा काष्ठा जिसको बोलते हैं, अंतिम छोर तक पहुंच जाते। मृदुता को हम देख सकते हैं, मृदुता को हम देख ही नहीं उसको पा सकते हैं। हर वस्तु को हम खरीदते खरीदते आए, यदि कोई मृदु बोलता है, मृदु सोचता है, जिसके सोच में भी दूसरे को कष्ट ना हो इस प्रकार उसकी सोच में आ जाती है, वह व्यक्ति इस धर्म को बहुत जल्दी प्राप्त कर लेता है। किसको देकर के? सामने वाला व्यक्ति ऐसा मिल जाता है तो उसको आप लूट सकते हो। क्या समझे? महाराज जी चोरी का दोष लग जाए, लगने तो कोई बात नहीं। गुणग्राहक जब बनना चाहते हैं तो एक प्रकार से चोरी ही सिखाता है। नहीं समझे? हाँ, ऐसे कोई मार्धव वाला व्यक्ति आ गया और आप उसको लेना चाहेंगे तो वो कहता कि ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जितना फैलेगा उतना ही इसका मूल्य सामने आएगा, स्वर्ण का मूल्य। इसी प्रकार ये मार्धव धर्म की एक प्रकार से विनय के माध्यम से प्राप्त होता है। जो विनयशील होता है और मृदुता को सीखे बिना रह नहीं सकता, और इस मृदुता के कारण कठोरपन अपने आप विलीन हो जाता है, सामने वाला व्यक्ति वात्सल्य चाहता है। गुणेशु पक्षपात है प्रमोद है, ऐसा कहा है। गुणों में भी यदि हम पक्षपात कर जाते हैं तो उसको पक्षपात नहीं, वह एक स्वाभाविक गुण है। हम उस मृदुता को खरीद सकते हैं अथवा हठात हम ले सकते हैं। सामने वाला भी कहता है कि ये तो बहुत अच्छी बात हो गई, हम एक समझ रहे थे दो हो गए, दो के चार हो जाएंगे। गुणित क्रम से यह उपक्रम बढ़ सकता है। ऐसा हमारे मन में क्यों नहीं आता? जैसी हम शिक्षा और संगति पाते हैं वैसे ही यह लाभ होता है। यदि हम इस प्रकार की शिक्षा समझते नहीं हैं तो हम कर भी नहीं सकते। पहले के व्यापार में और आज के व्यापार में, पहले के शिक्षण में आज के शिक्षण में, पहले के हस्तशिल्प में और आज के हस्तक्षेप रूप शिल्प में बहुत अंतर आ गया। वह सुगंधी पूरी पूरी चली गई, हम उसका दर्शन अब कर नहीं पाते, एकमात्र साहित्य से ही कर सकते। अब हमें उस स्वर्ण के द्वारा कुछ परख करके गुण लेना था, लेकिन हम क्या करते हैं, उसके आभरण बनाते हैं, जिसको जेवर बोलते हैं, गहने बोलते हैं, नहीं समझे, श्रृंगार के लिए ये आप लोग बनाते हैं। और यहाँ तक कि इस स्वर्ण के
उपयोग हम आपके वस्त्रों में भी देख सकते हैं। ये हुआ उसके अलंकार की दृष्टि से कि हमें अब ये देखना है कि उस स्वर्ण को स्वर्ण के रूप में रख कर के अपने को करना है। तो स्वर्णकार कहता है क्षमा करना। क्यों क्षमा? इसलिए करना कि आप इसके आभरण बनाना चाहते हैं, किंतु आभरण में ये 100 टंच सोना नहीं रहेगा। 100 टंच का अर्थ क्या होता है? 16 वाणी का सोना। तपा तपा करके 16 बार जब उसको तपाया जाता है तब वह शुद्ध 100% गुण वाला स्वर्ण बनता है। यदि उसका आप आभरण बनाना चाहते हो, स्वर्णकार कहता है कि क्या होता है बताओ, तो वो बताता है इसमें जो असलियत है वह तो हमें छोड़ना पड़ेगा। क्यों छोड़ना पड़ेगा? हम इसलिए दे देते ना ज़्यादा, आपको दाम बना करके दे दो। नहीं, उसको यदि आप दिखाना चाहते हो, आभरण बनाना चाहते हो, तो उसमें बट्टा तो स्वीकार करना पड़ेगा। बट्टा समझते हो? हैं, क्या समझते हो? महाराज ये तो क्या प्रसिद्ध है कि नोट है, मुद्रा है, उसमें बट्टा के बिना चलता ही नहीं। 2 नंबर का होता है तो वो बट्टा, और 1 नंबर का होता है तो 2 को 1 भी बनाया जा सकता है, वह असलियत की ओर आ जाता है। लेकिन ये ध्यान रखे, उसमें हमें ये करना पड़ता है कि बटने को हटाना पड़ता है, तो वो हट नहीं सकता। आभरण बना नहीं, उसमें कुछ न कुछ अनुपात उसमें डालना ही पड़ेगा जो उससे विपरीत धर्म वाला है। तो मृदु नहीं, तांबा उसमें डालना पड़ेगा। तो उसमें रंग में, उसके मृदुत्व में, उसके गंध सुरभि में, सब में विपरीतता आएगी। और इसको हम स्वीकार कर लेते हैं। इस स्वीकारता के कारण उस स्वर्ण में जो कमी आ गई, वह कमी हमने अपने तरफ से स्वीकारा। इसको स्वीकारने से उसके धर्म में कमी आई है, तो इसको हमने एक प्रकार से उसके धर्म को मिटा करके हमने कुछ पाने का और सोच लिया। यही एकमात्र धर्म में कमियां मानी जा सकती है। हमें मानव धर्म को अपनाने से पूर्व में प्रदर्शन से बचना है। प्रदर्शन एक प्रकार से उल्था होता है। नदी कई प्रकार के होते हैं। एक नदी वह है जिसका पात्र बहुत बड़ा है, एक नदी वह है जिसका पात्र में कमी है किंतु गहराई बहुत होती है। जिसमें पात्र अधिकता रहती है, चौड़ाई रहती है, उसमें जल बहुत वेग के साथ चला जाता है। कुछ समय के बाद उसमें रेत दिखना प्रारंभ हो जाती है। किंतु जो गहरी नदी होती है उसमें रेत कभी देखने में ही नहीं आती, और हमेशा हमेशा पानी भरा हुआ रहता है, और वह पानी शांत रहता है, और उसमें जहाज भी चल सकते हैं, प्रवास होता रहता है। नौका विहार आप लोग मौके के अनुसार करते रहते हैं, किंतु बालू रेत में आप कभी, क्योंकि बालू रेत में तो नाव ही नहीं चल सकता। तो एक तीर से दूसरे तीर तक जाने के लिए, नदी को पार करने के लिए हमें कि नाव में बैठना पड़ता है, अथवा वहाँ पर एक पुल बनाना पड़ता है कि उसको पार कर सकें हम। तो आज
कुछ नदियाँ इतनी हैं कि वह बहुत समतल ही रहते हैं, गहराई को लेकर के नहीं रहते। मार्दव दर हमेशा हमेशा हमें गहराई की ओर ले जाता है, आत्मा के पास। यह बहुत सतह पर ही धर्म मिलता है, किंतु इससे भीतर जाने के उपरांत हमारा वह धर्म बहुत गहरा हो चल जाता है, जो अनादि काल से जो हमारे साथ विपरीत पक्ष वाले छिपके हुए हैं उसको उखाड़ उखाड़ कर फेंकने का कार्य कर देता है। जिस किसी भी तीर्थंकर ने जब कभी भी घर को छोड़ा, वह सब कुछ होकर के भी इस मृदुता को पहले अपने हाथ में लिया और उसको बहुत अच्छे ढंग से समझा, यही मेरा धर्म है, यह धर्म मेरा कभी भी मिटने वाला नहीं, अथवा अविनश्वर धर्म को स्वभाव को देने वाला है। ऐसा ऋषभनाथ भगवान से लेकर के महावीर भगवान तक, बड़े बड़े बीच में आचार्य और सामान्य केवली आदि हुए हैं, राम आदि हुए हैं और बाहुबली आदि भी हुए हैं, सबके इतिहास पढ़ने से ऐसा लगता है इनमें कोई भी अपवाद के रूप में मानी नहीं था। किंतु यह मान की ओर क्यों जाता है, यह एक प्रकार से कौन सा संस्कार है? विपरीत जाना संसारी जीव का एक स्वभाव सा हो गया है, या वो विपरीत जाने में ही अच्छा लगता। जो रोग है, रोग को मिटाने के लिए दवाई दी जाती है, लेकिन वह दवाई तो लेंगे लेकिन उसके साथ तो पथ्य के बारे में पहले खोल लेता है, मैं इस पथ्य का आचरण नहीं कर सकूँगा। यही विपरीत है। हम धर्म के क्षेत्र में विपरीतता जितने भी है उन सब को मन से, वचन से, काय से, कृत से, कार्य से, अनुमोदन से, कल है तो आज, आज है तो अभी छोड़ करके चलने का संकल्प ले ले। वैसे उन लोगों का क्या था मैं नहीं समझता, लेकिन फिर भी कुछ लोग आए थे, उनके मुख से हमने सुना, महाराज आजकल जो परंपरा सी लग गई है विदेशों में लोग कुछ समय के लिए अपने एड्रेस को बंद कर देते हैं, अपने पता को लापता, कहाँ रहते हैं पता ही नहीं, जिस नंबर पर रहते थे फ़ोन वगैरह ये सब परिवर्तित कर देते हैं, कहाँ रह रहे हैं ये पता नहीं लगता, और महीनों तक वो वहाँ पर रहते हैं, ये हो गया, किंतु किसी के लिए वो बताते नहीं। इस प्रकार एकांत में जा करके अब पहनाव क्या है उनका, वो पहनाव में भी इस प्रकार का पहनाव रखते हैं जिसमें फटे पिटे हैं, नहीं समझे, यद्यपि है दरिद्रता का सूचन है, लेकिन उनका ये कहना कि जो व्यक्ति संसार में नहीं करता उसे हमें विपरीत करना। इस प्रकार करते हुए वे अपने कुछ समय तक व्यतीत करते, ठीक उसी प्रकार जानबूझ करके समझ करके हमारे बड़े तीर्थंकर जैसे व्यक्तित्व भी ऐसे रास्ता को अपनाते हैं, क्योंकि हम जो बाहर दिख रहे हैं वो हम नहीं हैं, ये विश्वास गाढ़ा होना चाहिए। जो व्यक्ति अपने जीवन में ये विश्वास गाढ़ा नहीं कर रहा है, विश्वास करिए उसके पास अभी धर्म आया ही नहीं, वह पैसे को देख करके सब सोच रहा है। हाँ, पैसा अपने स्थान पर होता है, तीर्थंकरों के पास कभी भी दुकान उन्होंने खोली ही नहीं, ये पक्का है, क्षत्रियों का ऐसा ही काम होता था, वो कभी दुकान खोलते नहीं, व्यापार तो करना ही नहीं, किंतु जो व्यापार करते हैं दुकान खोली है उनके लिए सही सही दिशा नहीं है, तो ध्यान रखो तलवार और ढाल दो रख रखे हैं, सही दिशा में व्यय करो
और अपव्यय न करो और किसी का शोषण मत करो। इस प्रकार के नेतृत्व देने वाले जितने भी तीर्थंकर हुए हैं उनमें एक भी अपवाद नहीं है, सब लोगों ने यही काम किया है, इसलिए उनको बड़प्पन का कोई भान ही नहीं आता था। इसी में बड़प्पन समझते थे, कभी भी वो धन को छूटे नहीं थे। क्या कह रहे हैं? हाँ, हम लोग स्वप्न में भी छूटे रहते हैं, स्वप्न में भी डूबे रहते हैं, नहीं समझे? सुनते सुनते भी मोबाइल आ सकता है, किसका आ सकता है ये भी पता नहीं लगता, इसके जेब में बज रहे होंगे, रहता तो अपने ही जेब में, पता नहीं लग पाता आवाज़ किधर से आ रही है, किसके लिए आ रही है। इसलिए वो कुछ ऐसे भी मोबाइल आ गए बताते हैं और आपको वो जगा देती है, वाइब्रेट जिसको बोलते हैं, हिला देती है जेब में, तो वो हाथ लगा लेता, ये हाँ हमारे लिए है ये, क्योंकि आवाज़ वाले से आप परिचित नहीं हो पाए। एक ही आवाज़ के कई प्रकार के मोबाइल हो सकती हैं, ऐसा होता है, किंतु आपको जगाने के लिए कह देते हैं। पहले से ही वे लोग अपने पास कभी भी पैसे रखते ही नहीं थे, राजकोष अवश्य रहता था। ये किसका राज? कोषाध्यक्ष का नहीं और किसी का नहीं, किंतु यह राजकोष माना जाता है, प्रजा के काम में आता है। किंतु मान का अर्थ प्रमाण होता है, उनका ये प्रमाण है कि हम इसको छुएंगे नहीं। जितने भी तीर्थंकर, अब जैन लोग भले ही छाती कूट कूट करके कह दे कि हम जैन हैं, हमारे वंश में ऐसे ऐसे बड़े बड़े व्यक्ति हुए हैं जो तीर्थंकर हैं, हम उसी वंश के, अब थोड़े सोचिएगा तो उस वंश के आप है क्या नहीं, इसकी पहचान क्या है? नाम रख लो, महावीर जी, अजित जी, श्रीयांश जी, वो जी, शांतिनाथ जी, वो जी, किंतु अब शांति है या नहीं उन्हीं को पूछो। शांतिलाल जी है या शांतिनाथ जी है, बताओ। क्रांति हो सकती है, शांति प्रसाद हो सकते हैं, तो ज्वाला प्रसाद भी हो सकती है। मुराजी तो गृहस्थ है, गृहस्थ तो है, लेकिन आप किस वंश से यह इसके बारे में पूछताछ हो रही है, बताओ। क्योंकि यह होता क्यों है? हम क्रोध की ओर, उन्माद की ओर क्यों जाते हैं? हमारी सीमा जो थी उस सीमा का उल्लंघन हो करके हम मान से ही कुछ बात करना चाहते हैं, तो उसके लिए कहा जाता है किसके ऊपर मान कर रहे हो, बताओ। उस मान को कहाँ से खरीदा जाए, कहाँ से प्राप्त किया जाए? और जिन्होंने ये किए काम उनके पास ये रहा क्या? उन्होंने पहले कदम रखने से पूर्व ये कहा कि हम मान को जीवन पर्यंत के लिए छोड़ रहे हैं, बाहर से नहीं भीतर से, क्योंकि मान भीतरी परिग्रह है, बाहरी परिग्रह नहीं। जैसे बाहरी जितने भी 10 प्रकार के परिग्रह है उनको तो वैसे छोड़ देता है, सही छोड़ना तो यह है कि बाहर की जो छोड़े हैं उसका जो भीतरी परिग्रह है मान, उसमें आपने यदि कमी लाई या समाप्त कर दी तो क्रोध उठने का कोई सवाल ही नहीं उठता। चक्रवर्ती होने के उपरांत भी
मान के पीछे युग के आदि में ऋषभनाथ भगवान के ज्येष्ठ पुत्र भरत जी, जिनके नाम से यह भारत पड़ा है, किंतु भीतरी मान को छोड़ नहीं पा रहे। ऋषभनाथ भगवान ने सामने सामने छोड़ करके सबको पाठ दे दिया, लेकिन उस पाठ का अर्थ हमें समझ में नहीं आया। ऐसे 24 भगवान हुए अंतिम तीर्थंकर महावीर है। महावीर के नाम से कई अच्छे क्षेत्र आदि आदि बने हुए हैं। वैसे सिद्ध क्षेत्र होना चाहिए, समोचरण बनता है, ये होता है, लेकिन अच्छे तो महावीर भगवान के अच्छे क्षेत्र सबसे ज़्यादा है। कुंडलपुर में तो है, वैशाली है, वो जैसे कई गुना महावीरा जी माने जाते हैं, कई गुना चंदनपुर माना, वहाँ पर जाना मुश्किल है। वैशाली कुंडलपुर जल मंदिर में एक दिन भले ही निर्वाण का चले जाए, लाडू चढ़ा करके शाम तक बाहर चले जाए। पावापुर ये क्या, ये एक अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा क्यों होता है तो हम इस रहस्य से वंचित है, दूर है। उसको याद करने से, उसको देखने से हमारा अतीत का वह सारा दृश्य सामने आ जाता है। हमारा जीवन उससे कितना संबंधित हुआ है, परिचित हुआ है, उसके प्रति हमारी कितनी प्रतिज्ञा है, हम प्रतिज्ञाबद्ध है क्या नहीं, इसको यदि आप दिखाना चाहते हैं, किसी के सामने रखना भी चाहते हैं, तो प्रयोग करिए। और प्रयोग यदि करेंगे तो निश्चित है आपका अनुकरण अड़ोस पड़ोस भी अवश्य करेंगे कि धर्म का सही स्वरूप ये है। हम अनुकरण की दृष्टि से बहुत पीछे पिछड़े जा रहे हैं। हम उस अनुकरण के अभाव में, प्रयोग के अभाव में केवल श्रद्धात्मक अथवा मान्यता पर आधारित धर्म को खड़ा करना चाहते हैं। हर एक व्यक्ति की मान्यता भिन्न भिन्न हुआ करती है, और यदि आपका आग्रह है तो उसका भी जिद है, वह भी आपसे आगे बढ़ कर के काम इसी दिशा में करेगा जो आप जिस दिशा में चल रहे हैं। इसलिए प्रयोग ऐसा अनिवार्य है। महावीर भगवान के परोक्ष में भी हमारा कर्तव्य होता है कि हम मान को कितने कम कर रहे हैं। आप तोलिए, आप ज़्यादा कम न करिए, लेकिन जिस पद है आपके अनुसार उस पद के अनुसार आप काम करिए। और यदि आप इसमें कम करते हैं, आप असत्य बोल करके यदि कोई काम सफल बनाना चाहते हो, ठीक है, सत्य के ऊपर जो विश्वास होना चाहिए वो आपका उठ गया है क्या? असत्य के द्वारा काम हो सकता है क्या? मृदुता के द्वारा काम हो सकता है? शास्त्र कहते हैं तो हम कठोर होकर के काम कर सकते हैं। सोचने की बात है, कठोर अज्ञान अवस्था में थोड़े बहुत करके डांट डपट के साथ किया जा सकता, जैसा जैसा वह संतान या जिसको हम सिखाना चाहते हैं वह उसकी उम्र बढ़ती जाती है, वैसे वैसे उसके लिए डांट डपट से नहीं, किंतु एक प्रकार से सही दिशा से आप चलिए तो आपके लिए इसमें बहुत सफलता मिलेगी। या आप एक बार बोल दीजिए या अवश्य, इतना अवश्य हंसी मजाक के साथ नहीं, किंतु गंभीर होकर के आप बोलिए, ये आपके लिए शोभा नहीं देती। अथवा हमारे परंपरा में इस प्रकार किसी ने ऐसा काम नहीं किया, इसलिए हमारा कर्तव्य है वह नदी अब पश्चिम की ओर न जा कर के यदि मान लो उत्तर की ओर जाती है तो कुबेर का द्वार खुल जाएगा।
नहीं समझे, नदी को भी यदि आप उत्तर की ओर मोड़ना चाहोगे तो वह एक प्रकार से हानिकारक होगा। हर जगह वास्तु का काम नहीं चलता। ये अवश्य है कि उत्तर की ओर इन्हें नदी मिलती है और वह पूर्व की ओर जा रही है, या पश्चिम की ओर जा रही है, और आप दक्षिण में भी है तो वह वास्तु अपने लिए बहुत ही सुंदर माना जा सकता है। लेकिन ऐसा तो नहीं है, उसको नदी को विपरीत दशा में बहा दो, नहीं। इससे हम उससे बंधते चले जा रहे हैं। वस्तुतः रहस्य कुछ अलग है, तो हम ग्रंथ की ओर देखना न पड़े, हम आचरण की ओर देखना पड़े, तो लोग उससे अवश्य प्रभावित हुए बिना रह नहीं सकते। इतने व्यक्ति पढ़े लिखे होकर के भी वो इतने विनीत है, इतने मृदु है, इतनी शालीनता से भरा हुआ है, और वह इस नम्रता के कारण कुछ ऐसे हर कदम और हर क्षण कुछ संकलन करने में लगा हुआ है जो अच्छाई के लिए हमेशा हमेशा रात दिन परिश्रम करता रहता है। इस प्रकार के व्यक्तित्व का यदि दर्शन होता है, समझ लेना जीवंत धर्म इसी को बोलते हैं। आप जी रहे हैं लेकिन आप में वह धर्म जी रहा है क्या? नहीं, यह यहाँ पर बात कही जा रही है। आप तो उम्र के हिसाब से जी रहे हो और यह अविनश्वरता की अपेक्षा से जी रहा है। कितना अंतर है बताओ? एक पार्थिव शरीर के साथ जी रहा है किंतु पार्थिव शरीर से ऊपर उठ करके भीतरी धर्म के साथ जो संबंध रख करके जीता है, उसी की खुशबू सब जगह फैल जाती है। खुशबू को शपथ दे करके आप सुगंधी नहीं सुगवाओ। मैं शपथ से कहता हूँ, मैं इस प्रकार करता हूँ, इस प्रकार करता हूँ, इस प्रकार करता हूँ, और लेख लिख करके आप बताना चाहोगे, जैन दर्शन का महत्व इससे समाप्त हो जाएगा। आप यदि किसी को बताना भी चाहते हैं, बताना ये, किंतु प्रयोग के माध्यम से बताना प्रारंभ कर दीजिए। तो ईश्वर ने कहता है कि भैया मेरा स्वभाव मृदु था और आप अपने नाम के लिए या और कुछ के लिए मेरे भीतर बट्टा डाल करके आपने अपनी चैन बना लिया। कुछ चैन मिल रही है आपको? बताओ, सुख मिल रहा है? यदि नहीं मिल रहा है तो वो ही अपने लिए भी समझना चाहिए कि हमारा दूसरे के ऊपर आधारित न हो धर्म, हमारा धर्म जीवंत रहे, हमारा धर्म उस परंपरा से संबंध रखता हो। ध्यान रखना, नदी का प्रवाह बहता रहता है, वह अपने आप में पानी मीठा होता है, किंतु जो ही वह नर्मदा मीठी जल से भरी तो वहाँ भरूच के पास जा कर के जब पश्चिमी समुद्र में मिल जाता तो फिर क्या होता बताओ? पूरा कपड़ा इधर इधर इस जल में तो खारापन नहीं आया, लेकिन वह डूब गई खारेपन में। आपकी परंपरा मानव धर्म की लवण मिश्रित है या लवणाकार जो संबंध रखती है? जब तक उन अवतारवादियों का सद्भाव था तब तक तो वह जल मीठा रहता था। तो ये ध्यान रखना, मीठा पानी भारी नहीं होता, हल्का होता है, और हल्का जो पानी होता है उसमें चना भी क्यों ना हो जल्दी जल्दी चूर जाता है। चूरना समझते हो? हाँ, नहीं है
तो वह टर्रा मूंग जैसे घोड़रू मूंग राजस्थान में कहा जाए तो घोड़रू गुरुजी कहा करते थे, वो कभी सीझता ही नहीं, डरे रहो उसमें होता नहीं। तो यह हल्का मार्दव है किंतु इसका महत्व बहुत बहुत है, परंपरा से मिला है। आप लोगों को वो पा करके और इसका विस्तार हो जाता तो बहुत अच्छा है, नहीं है तो कम से कम वह खारा न हो ऐसा सोचना चाहिए। भरूच के आसपास में वह नदी तट जो घुस रही है उसमें समुद्र में, वहाँ पानी ले लोगे तो प्रभाव चालू हो गया है। उसी प्रकार कालमान के अनुसार आज हम देखते हैं दस दक्षिण धर्म पोथी में रखे हैं। एक साल में आप लोग आते हैं, जहाँ पर जाना क्षेत्र पर जाते हैं, दस दिन व्यतीत करते हैं। आज के माधव धर्म के दूसरा दिन आपसे विदा लेने को है, शेष आठ दिन है, एक हफ्ता और है। क्या करना है? नहीं सुन लिया, हमने नोट्स भी लिए हैं, नहीं समझे, और विशेष हमारा संकल्प है। जो इधर भी एक व्यक्ति बैठा है, उसके कुछ टिपाई लग करके उसमें कोई प्रतिनिधि और है, उसको बटन दबाया जाता है, नीचे से उसका नियंत्रण होता है और ठीक हो रहा है क्या नहीं वो देखते के लिए बैठे, सुन नहीं रहे वो और हमारी बात सुनते भी नहीं। कई बार कह चुका हूँ आप खड़ा नहीं रहा करो, कई बार कहा ये व्रत रखा करो, क्योंकि दूर दूर तक जनता बैठी है, महाराज उन्हीं के लिए तो हम प्रबंध कर रहे हैं। ये सब कुछ प्रबंध होने के उपरांत भी प्रचार प्रसार में युग लगा हुआ है, पर आज देश की क्या बात है, हमें तो कि विदेशों में भी इस धर्म का प्रचार प्रसार होना चाहिए। हम सब लोगों से कहते हैं बहुत अच्छे आपके विचार हैं, उच्च विचार हैं, बहुत अच्छी बात है। ऐसा विचार तो शायद परंपरा में अतीत में हुआ या नहीं हुआ मैं नहीं कह सकता, लेकिन हुआ अच्छा है। लेकिन मैं पूछना ये चाहता हूँ कि तीर्थंकर कितने विदेशों में जा कर के धर्म प्रचार कर गए और समोचन उनके विदेशों में कहाँ तक लगे हैं हमें बता देना। तो उस परंपरा का वाहक आप सिद्ध हो सकते हैं। जब घर में होली चल रही हो और दुनिया में दिवाली मनाना चाहते हो तो मैं तो इसको समझ में नहीं आ रहा, आप लोगों को समझ में आ रहा है? हाँ तो कह दो फिर, नहीं है महाराज ये ठीक नहीं है, ठीक नहीं है तो कौन सा ठीक है ये बता दो। ये मत समझो कि हम प्रचार प्रसार के माध्यम से सब कुछ कर सकते हैं, नहीं, हम मौन हो जाइए कि मौन का अर्थ यही है, जिससे बचना है उससे हमेशा के लिए मौन हो जाए। हमारा जीवन और उसके प्रत्येक क्षण उस आचरण उस प्रवचन आदा अथवा वचन और हमारे जो चाल, इन सब में एक प्रकार से वह झांकता हुआ देखने में आ जाए। हमारे भीतर कोई देखेगा झांकेगा तो आप सही कहिए कि वस्तु तो उसको अच्छा लगेगा क्या? नहीं लगेगा। जिस दिन होली रहती है उस दिन आप उस दर्पण में अपने मुख को देखो क्या हो रहा है। दिवाली के बाद पाँच छः महीने के उपरांत या चार महीने के उपरांत होली आती है, चार ही महीने में क्या रूप आपका बन जाता है, तो एक ही चातुर्मास व्यतीत होता है। होली में तो फोटो दिखा दें, एक कैमरे लगा दो दिखाओ होली के, नहीं समझे, महावीर भगवान की दिवाली के मत दिखाओ, अब इनको पहचान करवाओ भाई साहब ये आप हैं क्या दूसरे,
दिखाओ ना, एक दूसरे को देख के पहचान तक नहीं सकोगे। तो ये क्या है, जो भीतर भाव है वही भाव आ रहे हैं। इस होली के अपेक्षा से बारह महीने दिवाली क्यों नहीं हो सकती? एक 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 क्षण हमारे महावीर भगवान नहीं सही, लेकिन उनमें से थोड़े बहुत तो सुगंधी आनी चाहिए। यही एकमात्र पहचान जैनियों की है, और इस पहचान के साथ अन्य भी अड़ोस पड़ोस वाले बैठे हैं कि हम भी इसी कदम पर कदम रख कर के चले। यहाँ पर विदेशी लोग विशेष रूप से आते हैं। आप भी विदेशी हैं क्या देशी हैं मैं नहीं कह सकता, आप लोगों को सोचना है। किंतु इतना अवश्य है कि वो लोग आ जाते हैं तो प्रशिक्षित होकर के ही आते हैं, उनको निकट से देख लेना कर लेना। तो एक व्यक्ति ने, क्योंकि स्पेन से भी आते हैं, इटालियन भी आ जाते हैं, आदि आदि भिन्न भिन्न भाषा भाषी होते हैं। आप लोग समझते होंगे केवल इंग्लैंड इंग्लिश से ही आते हैं, ये एक इंग्लिश ही नहीं। जब चार पांच व्यक्ति ने कहा भैया इंग्लिश बोलो, इनको थोड़ा समझा दो, हमारे भाव ये है, तो महाराज ये इंग्लिश नहीं जानते, ये भी नहीं जानते। चार पांच देश के को पूछने से ये इंग्लिश नहीं जानते, भिन्न भिन्न ही जानते हैं। इंग्लिश जानते नहीं क्या, बोलते नहीं क्या, बताओ, हम इसको महत्व नहीं देते, हम तो अपनी ही भाषा को जानते हैं, अपने देश को जानते हैं। और जितने भी ताले बजा दिया, भारत वाले भारत को नहीं जानते, विदेश को ही जानते। ये क्या है, ये गौरव हो गया। और उसमें से एक ने कहा, ओहो हमारे बारे में उन्होंने परिचय दिया, ये 50 वर्ष से वेजिटेरियन पर ही है। हाँ हमारे लिए 2 दिन लेना मुश्किल है। हे गॉड बोलते, हे भगवान ये कैसा है। और उनके आंखों में से पानी आता, और फास्ट फूड की आप बात कर रहे हो, क्या क्या उसमें डरा आपको ज्ञात है। ये वो संकल्प लेकर के हम इसको एक एक दिन बढ़ाएंगे, और कुछ लोग बढ़ा करके जीवन पर्यंत के लिए अहिंसा के शाकाहार के संकल्प लेते हैं, और भारत वाले मनोरंजन के लिए चले जाते। आप लोगों को सोचना है कि हमारे पूर्वज क्या थे, क्या धर्म पलता था, क्या रूप था, स्वरूप था, कैसा देश अखंड था, और कैसे वह व्यक्तित्व था जो चक्रवर्ती आदि हुए, तीर्थंकर आदि हुए, और कामदेव आदि हुए जो विश्व के सामने आदर्श आए। किंतु साहित्य पढ़े तभी तो ज्ञात होगा। अब तो कम से कम आप ये बंद कर दो। सबसे हमारा ये कहना है कि आप पहनाव को भी सुधारो। जो बच्चे, कुछ ऐसे बच्चे भी आते हैं जो पहनते हैं, वो पहने हुए भी एक एक इंच दो दो इंच फटे हुए भी रहते हैं। सुन रहे हो आप? हाओ तो हमने कहा ये फटाव फटाव क्या, इसका 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 मूल्य सबसे ज़्यादा है। फटे हैं सूट पैंट, उसका मूल्य ज़्यादा है, और उसको कभी धोना फिरना नहीं, जितना नीचे का घिसेगा फटेगा उतने ही उसकी उसकी कीमत बढ़ेगी। हाँ ये कौन सा शिक्षण है? पहले निमित्त ज्ञान के माध्यम से सोचा जाता था, फटा हुआ कोई आ गया, मान लो पत्र भी फट करके आ जाता किसी कोने में, समझ लेना उस पत्र में क्या भरा हुआ है। उसी माध्यम से निमित्त भविष्य को समझते थे। तो आपके बच्चे ऐसे सूट पहन करके आते हैं तो बताओ तुम कहाँ से आए हो? वो कह देता है कि हम किधर गलो मदनगंज से आए। अब हम क्या बताएंगे वहाँ से,
पर्व के दिन में लोग भी आते हैं और उनके ये बच्चे फटे हुए पहन करके आ रहे हैं, कैसे समझेंगे आप? ये शिक्षा भी इसी प्रकार, पहनाव भी इसी प्रकार, और जो उनके भोजन पानी आदि वो इसी प्रकार, बोलने भी उसी प्रकार, इसके द्वारा भारत के संस्कार पूरे पूरे चौपट हो रहे हैं। आप क्या बचाओगे मुझे बताओ? क्योंकि आप बैठे हैं, आकर के बैठे हैं, मंगलाचरण के साथ बैठे हैं, सुनने के लिए बैठे हैं और सुना करके दे करके जाने वाले भी हैं। इन सब को आप सुना देना, कहाँ कहाँ बचाए थे आप, किस क्या बताए महाराज जी, अवश्य बता देना। ये सब को बंद करवा दो। और ऐसे ऐसे चीज़ें भी, समय फालतू जा रहा बच्चों का, उनको ऐसी शिक्षा दे दो जिसके द्वारा प्राचीनता पुनः आ जाए। आपको बहुत ही इस संबंधी कर्म निजरा होगी और धर्म की प्रभावना में आपका जीवन अग्रणी बनेगा। यदि चाहते हो तो यह संकल्प ले लो, नहीं तो हम तो बोलते बोलते 50 वर्ष तो, और आप ही बता रहे हैं कौन से स्वर्ण जयंती क्या कौन सा है। हाँ, इसीलिए आप खाने के बारे में, भारत में सबसे ज़्यादा व्यंजन बनते हैं, ये इतिहास है। भारत में हस्तशिल्प सबसे ज़्यादा बनते हैं, विश्व भर में इसका सारा सारा व्यापार के माध्यम से वितरण होता था। ये सारा सारा अभी भी एक शताब्दी भी नहीं दूर है, 50-60-70 वर्ष पूर्व में ही यह सब इतिहास था, लेकिन आज वो बिल्कुल ही समाप्त हो गया। आप लोगों को उसी प्रकार की शिक्षा, उसी प्रकार की दीक्षा, उसी प्रकार का पहनाव, उसी प्रकार का खान पीन आदि कर लेना, नहीं तो बिल्कुल फास्ट लाइफ। इसका अर्थ क्या होता है? दौड़ धूप और कुछ नहीं। फास्ट लाइफ का अर्थ क्या होता है? दौड़ धूप, हाँ, भागम भाग। कहाँ पर भाग? विश्व तो गोल है, वही बात आती है, परिक्रमा नहीं। भारत को पहले परिक्रमा लगाई जाती थी और आज भारत के चक्कर लगाने वाले सपूत कैसे कह सकते हैं हम, ये ठीक नहीं है। आपकी आलोचना नहीं, आंखें खुल जाए, एक ही बात हमारे भाव हैं। और खान पीन के बारे में आप बहुत अच्छे कदम उठाएंगे ताकि वह अभिमान नहीं किंतु स्वाभिमान की रक्षा अवश्य आपकी पूर्ण करेगा, ऐसा विश्वास है। ऐसी संतान की बड़ी आवश्यकता है जो आपके धरोहर को सुरक्षित रखें। और उसमें अभी वर्तमान में 2 चांद हैं तो 4 चांद लगाएं। सुन रहा है? ये तो कहावत कहते हैं आप महाराज, हमें ऐसा आशीर्वाद दे दो ये लड़का अच्छा काम करे और हमारे वंश में 4 चांद लग जाए। भैया 4 चांद तो हम कुछ समझ नहीं रहे हैं, क्योंकि अब यहाँ से चंदोवा निकल गया, नहीं समझे, यहाँ से निकल जाएगा वो चांद, उग ही जाएगा। हाँ, ये क्या है, ये ऐसा ही हो रहा है। इसलिए वो 4 चांद का अर्थ यही है, चारों ओर हमारी उजाला फैले, अंधकार का अभाव हो और विश्व गुरु जो भारत था उसको पुनः आप देखें और सुने, तब तो बिल्कुल जहाँ कहीं भी हमारे गुरु गए हैं वहाँ से आप लोगों के लिए आशीर्वाद अवश्य मिल जाएगा। हाँ, आशीर्वाद दिलवा दो महाराज। ज्ञान सागर महाराज जी, ये बातें वृद्धावस्था में हमें कही थी, अब वो क्या कर रहे होंगे तो वो जाने, लेकिन जाने क्या, वो जो कुछ भी कर रहे हैं वो यहीं पर बैठे हुए वही काम कर रहे हैं अभी, और परिश्रम ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन हम उसका कहाँ तक अनुपालन कर रहे हैं
युग के अनुसार वो पालन होना चाहिए। इतना ही कह करके आज का यह मान के बारे में कहा, इसका अर्थ ये है मृदुता यह धर्म है, स्वभाव है, इसके बिना मोक्ष मार्ग की शुरुआत नहीं होती। और कठोरता को जो स्वर्ण पहनने के लिए यदि जाते हैं तो हमारे जीवन में कठोरता आ जाती है, किंतु हमारे जीवन में मृदुता यदि आ जाए तो हमारा जीवन अलंकृत हो जाएगा धर्म से, और दूसरे को भी वह अलंकृत करने में सक्षम हो जाएगा इन्हीं भावनाओं के साथ। अहिंसा परमो धर्म की। हेलो हेलो हेलो, गुरु नाम गुरु श्री ज्ञान सागर जी महामुनि राज की।